यार, तो हमें भी ये बात का दुख है भाई यार, मैं भी बहुत याद आती इस दुख की, इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। यूट्यूबर बनी है, बहुत खुशी है मुझे। डाडा कुछ बने मेरे फेवरेट आलू जीरा है, मुझे बहुत बहुत पसंद है। गाइस आपको पता है मुझे अनोखी बीमारी है, मतलब बहुत लोग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए व्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? आई हो बच्चे हो माई, बहुत बढ़िया। सभी को पहले तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, हरे कृष्णा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं, आज बच कितने बजे बताए थे पहले? 4 बजे। हाँ, 4 बजे वाले शाम के हम लोग सब लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे दीदी? संजना घुमाने ले जा रही है, मुझे तरी बता कहाँ जा रहे हो? जे लोग वहां राधिक को मम्मी तुम्हें मालूम कहाँ जा रहे हैं? इटावा जा रहे हैं। इटावा जा रहे हैं, उन्हें मालूम एग्जैक्ट लोकेशन। चलो आप लोग उनको पहुँच के दिखाते कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हो। युग भी जा रहा है। युग मासी साहब बोलो, आई बोलो। गाइस ये मेरा स्कूल, बहुत याद आती है स्कूल की। कार्यक्रम जिस दिन ही अलग आते आज देख ले आप लोग। जब हमारी सिस्टर इसमें पढ़ती थी तो उन्होंने ये बोला था कि मैं आईपीएस होने यूट्यूबर। तो हमें भी ये बात का दुख है भाई यार, मैं भी बहुत याद आती है स्कूल की। कितने स्कूल में पढ़ाया भाई? सीबीएसई बोर्ड से कम 18-19 लाख तो भाई इंटर तक तो खत्म हो गया, उसका कम नहीं है। लेकिन आईपीएस ना बन पाए इस बात का बहुत मुझे गम है, और दिल से मुझे बहुत बुरा लगता है। यूट्यूबर बनी है, बहुत खुशी है। वो तो सौभाग्य था लॉकडाउन का। सुना भाई साहब यूट्यूबर के भैया तो बने, ड्राइवर तो बने। हां मम्मी यार तुम मुझे काद ही नहीं आओगे, कह रहा हूं तुम मुझे काद है पता है कुछ बनी बनाई इन तुझे कहो। तो गाइस ये है सुमर सिंह का किलो जी, नहीं टिक्सी टेम्पल पावल हो जान दान है ना ये मोच लाल बाजू। हां टिक्सी टेम्पल इटा मेरी देनी नहीं पता तुम्हें तो वो पहली बार आई हूं हमें खुद नहीं मालूम। ये है टिक्सी टेम्पल सामने जो है, अदर इतने जाएंगे तब है ये भिंडी के लिए रास्ता है। ये तो गाइस हम लोग इटावा से पहुंच चुके हैं ना, भिंडपुर है ना। चलो तो गाइस हम लोग इटावा तो आ चुके हैं टैक्सी टेम्पल पे, लंच पार्टी पीछे रह गया। अब इधर से सुमित सिंह के लिए रास्ता आ रहे हैं भाई, जस्ट टैक्सी टेम्पल है। के चले हमने इधर हम लोग आ चुके हैं सुमित सिंह की राह पे। ले 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 हम लोग आए थे पता कहाँ पे, सुमित क्लब वीडियो शूट करके कहा जाए थे हमारे लोकेशन के हिसाब से वीडियो शूट हो। सब लोग कहते कि बहुत अच्छी वीडियोस आती हैं, ऐसा कुछ मैं तो कहीं भी बना दूं, मैं तो वैसे ही पता दिया थी कंटेंट है तो वही चलता है। फिर आए हैं तो चलो वीडियो ही शूट कर लेते हैं, ठीक है देख। अब वीडियो शूट करें ना, पूरी मोड मत जाना। कावनी मैडम से कह रहे हैं दादी पति के, वही तो कह रहे हैं ना उड़ जाओ, बहुत अच्छा है। फोटो तो वहाँ अच्छी आती है वहाँ सामने। क्या मम्मी वीडियो बना रही? कट ना पाई, कट रही कट नहीं पड़े, बस चलाते रहिए हम ना आए। इतनी गर्मी है मतलब बहुत ज़्यादा पसीना तो आप देख ही रहोगे। वैसे ये कि लोकेशन में वीडियो करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि हम तो हमेशा घर पे ही करते रहते हैं तो मतलब इतना नहीं लगता, लेकिन अब बाहर जब आए तो मालूम पड़ता है कि कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। और दूसरी बात, अंदर गेट वेट सब बंद है, बाहर इतनी वीडियो बना लो अंदर नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है जिस हिसाब से, मतलब कि है लोकेशन अंदर है लेकिन प्यारी बहुत है। रील शूट के लिए वीडियो शूट के लिए तो बहुत अच्छी है, देख
तो गाइस ये भैया मिले, इनका भी चैनल है एम ब्रांड नाम से, इनको सपोर्ट करो ज्यादा ज्यादा। तो गाइस चलते हैं, बहुत गर्मी गर्मी के मारे सिस्टम खराब है, दिक्कत जो है। बहुत मन से आए थे वीडियो बनाने के लिए, वैसे मन की वीडियो बन नहीं पाई, लोकेशन अच्छे तो गर्मी बहुत है। हाँ सर्दियों में आना चाहिए, सर्दियों के लिए अच्छा। हाँ तो गाइस चलते हैं अब फिर। मैडम क्या लग रहा है? कहने लायक रही हूँ, गर्मी बहुत है, चले गई। तो गाइस अब जा रहे हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा गर्मी चक्कर में ज्यादा वीडियो नहीं बन पाई, तो यहाँ से जा रहे हैं। देखो आगे चल के आपको दिखाते हैं यहाँ क्या कैसे क्या रुकते हैं। गाइस इधर जो वो होता है ना, कहते घोड़े बैठ के वीडियो बनाई जाती है लॉज सफारी के बाद, तो पूछा हमने कि मतलब आया क्यों नहीं, तो घोड़ा बीमार है, चलो निकाल ले जाओ, बेचारे घोड़ा सही है तब चलो निकाल ले जाओ ना। तो गाइस घोड़ा बीमार है, चलते हैं अब। तो गाइस हम लोग आज के दसवन नगर जी, हमारे दसवन नगर छोटू ए कैमरा कहाँ चला, पागल हटाओ। तो गाइस हमारे दसवन नगर देख रहे हो बाहर ही बाहर से है, ए मोड़ लगा ही लगा के तुम आओ यार दीदी। अरे भैया वालों से लगा रही होती चलो ठंडा मीठा हो जाए। हाँ तुम कल खाओगे थोड़ी सी।
लिया है। चलो आपका प्लेट साफ करो, और आना है अब मेहनत मैडम। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक बटन शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, लव यू ऑल।